हेलो एवरीवन, ओपन योर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 21। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अवर 10th लेसन एंड दैट इज प्रिटी एज अ पिक्चर। ये लेसन मतलब एक स्टोरी है, एक इवेंट है जो कि एक थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आपको बता रहा है। देखिए, राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना टोल्ड अस दैट द लास्ट पीरियड ऑफ एवरी फ्राइडे वुड बी स्टोरी टाइम। स्कूल के पहले ही दिन मिस नीना जो कि टीचर है, उन्होंने क्लास टीचर ने बताया कि हफ्ते में जो फ्राइडे रहेगा उसका लास्ट पीरियड स्टोरी पीरियड रहेगा, उस दिन स्टोरी बताई जाएगी। वी ऑल डिसाइडेड इमिजिएटली शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और उसी वक्त हमने सोच लिया कि मिस नीना तो दुनिया में के सबसे अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है। वी होप शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर। और हर फ्राइडे को, साल में जितने भी फ्राइडे आएंगे, उतने भी फ्राइडे को हमें सफिशियंट स्टोरी सुनने को मिलेंगे। इस बात की हमें खुशी हुई, सबको स्टोरी सुनना पसंद होता है ना। सो फ्राइडे केम एंड वी गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड टिल एट लास्ट द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड। वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। और जैसे ही फ्राइडे आया तो हम बहुत ही एक्साइट हुए। क्यों? क्योंकि आज मिस नीना स्टोरी बताने वाले थे। हमने उनको उनके प्रॉमिस के बारे में याद दिलाया, रिमाइंड किया कि मैम आज आप हमको स्टोरी बताने वाले थे। यस ऑफ कोर्स, शी सेड हैप्पीली। मैम ने कहा हाँ क्यों नहीं, डेफिनेटली बताऊंगी। बट एज शी लुक अराउंड द क्लास शी कुड सी हर फेस चेंजिंग। ओ डियर, आई वॉज गोइंग टू टेल यू सच अ लवली स्टोरी बट इट लुक्स एज इफ दैट वी विल हैव टू वेट। मैम ने क्लास में चक्कर लगाया और उन्होंने कहा, उनका फेस एकदम चेंज हो गया, उन्होंने कहा मैं आपको स्टोरी तो बताऊंगी लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। नो सेड एवरीवन, और सब स्टूडेंट जो है वो चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं मैम, आपने बताया था कि स्टोरी बताएंगे, ये अच्छी बात नहीं, आपको बतानी होगी। इस तरह से वो अपने टीचर को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टोरी बताओ। देखिए यहाँ पर मिस नीना और स्टूडेंट दिए हुए हैं, आप इस क्लास को देख सकते हो। क्लास में थ्री कॉलम्स में, थ्री रोज में स्टूडेंट बैठे हैं, थ्री लाइंस है। नीचे उनके कुछ कागज़ के टुकड़े वगैरह गिरे हैं, ये देख सकते हो, है ना, इतना नीट एंड टाइडी। ये कहाँ पर भी टिफिन बैग्स रखे हुए हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे देखिए। लुक एट द क्लास रूम, मिस नीना सेड, हाउ कैन वी एंजॉय स्टोरी विथ ऑल दिस रबिश ऑल ओवर द फ्लोर। क्लास की तरफ आप ही देखिए, मैम ने कहा, किस तरह से क्लासरूम दिख रही है और ऐसे गंदे क्लासरूम में कैसे स्टोरी सुनेंगे आप। सो एवरीवन वेंट स्करिंग अराउंड पिकिंग अप पेपर एंड पेंसिल स्टब्स एंड पुटिंग देम इन द वेस्ट पेपर बास्केट। इतना मैम का सुनते ही सब ने क्या किया कि आसपास अपने जो भी कागज़ के टुकड़े हैं, पेंसिल के टुकड़े, सब जो वेस्ट है उसको उठाने लगे और डस्टबिन में डालने लगे। व्हाट अ कन्फ्यूजन देयर वॉज, बट मिस नीना वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सब ने पूरी हलचल मचा दी क्लास में। जो भी स्टूडेंट थे सब ने अपने पास डेस्क के नीचे जो भी कचरा पड़ा है वो उठाया, क्योंकि उनको स्टोरी सुननी थी, वो एक्साइट हुए थे और उन्होंने सब कचरा डस्टबिन में डाल दिया। फिर भी मिस नीना सेटिस्फाई, उनको अच्छा नहीं लगा। द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल क्रूट, शी सेड। उन्होंने कहा, मैम ने क्या कहा, आपने कचरा तो साफ कर दिया लेकिन जो डेस्क है, बेंच है, वो तो इधर उधर हुए हैं, प्रॉपर लाइन में नहीं है, रो में नहीं है। सो अप पॉप एवरीवन वंस अगेन स्ट्रेंथन आउट द रोज क्विकली एंड पुट देम ऑल इन परफेक्ट ऑर्डर। सब ने क्या किया, फिर से जल्दी उन्होंने अपने जगह से उठे, एडजस्टमेंट की और डेस्क बेंच जो थे प्रॉपर लाइन में लगाए स्ट्रेट। दैट्स मच बेटर, शी सेड। मैम ने कहा ये थोड़ा ठीक है। बट लुक एट योर सेल्स, रिबन्स अंडन, शर्ट हैंगिंग आउट, शूज लेसेस ओपन, बेल्ट्स अस्क्यू। मैम ने कहा अभी ठीक हुआ, कचरा साफ हुआ, डेस्क अच्छे हुए। खुद की तरफ देखिए, आपके हेयर को जो रिबन्स लगाए वो किस तरह से है, शर्ट बाहर निकला है, शर्ट इन नहीं है, शू लेस है आपके वो खुले हैं, बेल्ट नीचे जा रहे लूप से, ये अच्छी बात नहीं है। एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट एंड एज क्विकली एज पॉसिबल वी टाइडेड अवर सेल्फ अप। और स्टोरी सुननी थी तो हमने क्या किया, जो हमें स्टोरी बता रहा है स्टूडेंट, वो बता रहा है कि हमने क्या किया
कि जितना हो सके उतना हमने परफेक्ट होने की कोशिश की. वी केप आस्किंग द किड्स अराउंड अस टू टेल अस इफ वी वेयर लुकिंग टाइडी इनफ. और उन्होंने एक दूसरे के पास एक दूसरे को बोला, अरे मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या, अभी मेरी टाई अच्छी है क्या, शूज अच्छे दिख रहे हैं क्या. नो मिरर्स इन द क्लासरूम, यू नो आपको तो पता है कि क्लासरूम में मिरर्स नहीं होते, होते ही क्या, आईने नहीं होते. तो देखने के लिए वो क्या कर रहे थे, अपने दोस्तों से पूछ रहे थे कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ. बट दिस सीली शिरिन्स प्लेट वॉज ऑल अंडन, लेकिन शिरिन उसमें का जो स्टूडेंट था उसने कुछ भी नहीं किया था. सोनिया हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर हर एंड टाई द बो टू. तो सोनिया को उसका वो पूरा काम करना पड़ रहा था. वन लास्ट थिंग, अभी मैम ने कहा, मिस नीना सेड यू विल बी इन हरी व्हेन द स्टोरी इज ओवर. जब स्टोरी खत्म होगी, मैं स्टोरी अभी बताऊंगी, और जब स्टोरी खत्म होगी तो क्या होगी, आप जल्दी में होंगे क्योंकि स्कूल की लास्ट पीरियड है. सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इन टू योर बैग्स राइट नाउ. जो भी आपके बैग्स में भरना है अभी के अभी पैक कर दो. ऑल द बुक्स, ऑल नोटबुक्स, डोंट फॉरगेट द कंपास बॉक्स. हैव यू पुट अवे योर पेंसिल, योर रबर, योर रूलर, द पैक ऑफ कलर पेंसिल, गुड. नाउ यू योर टिफिन एंड वाटर बॉटल, देयर इज प्लेस फॉर एवरीथिंग, सो पुट एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस. मैम ने कहा जब स्टोरी खत्म होगी और स्कूल की बेल बजेगी तो उस वक्त आप सब जल्दी में होंगे, तो आपको आप क्या करेंगे, आपकी जो पेंसिल, पेन, इरेजर, कंपास, बुक्स, नोटबुक्स है वो यहाँ पर ही कुछ रह जाएंगे भूल के. तो ऐसा ना हो इसलिए स्टोरी शुरू करने से पहले ही आपकी बैग पैक कर लीजिए. वेल वी वेयर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर. सब ने अपने बैग पैक किए, दोनों ने नहीं किए, राहुल ने और अनवर ने. दे कुडंट फाइंड देयर डायरीज, उनको उनके डायरी नहीं मिल रही थी जिनमें नोटिस लिख के देते हैं. एंड शीला हु कुडंट फाइंड द कैप ऑफ हर पेन, शीला को उसके पेन का कैप ढक्कन नहीं मिल रहा था. एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फ्रॉम हर वाटर बॉटल, वाटर बॉटल का जो पानी पीने का कप होता है वो बीना का गुम गया था, भूल गई थी. एंड एवरी वन वॉज मेकिंग सच नॉइज ट्राइंग टू हेल्प. आई थॉट वी वुड नेवर फिनिश एंड मिस नीना वुड बी टू एंग्री टू टेल अस अ स्टोरी. और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो सबका मेस देख के, सबकी हलचल देख के, सबका आवाज़ देख के, नॉइज देख के, कि मिस नीना आज स्टोरी नहीं बताएंगे, उनको गुस्सा आएगा. बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना फाइनली स्माइल ब्रॉडली. और सब हो गया, क्लास में का कचरा साफ हो गया, डेस्क बेंच अच्छे हो गए, सब ने खुद को अच्छी तरह से रेडी किया, अपने बैग पैक कर लिए, और इतना देख के मैम थोड़े हंसे. नाउ दैट्स माई फेवरेट क्लास, उन्होंने कहा हाँ ये अब मेरा फेवरेट क्लास है. ऑल स्पीक एंड स्पैन एंड एज क्लीन एज अ विसल, बट इज देयर टाइम फॉर अ स्टोरी. मैम ने कहा क्लास तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन स्टोरी के लिए टाइम है क्या, क्योंकि लास्ट का पीरियड है. ओ यस देयर इज, हाँ है ना, जस्ट अ शॉर्ट लिटिल वन, हाँ थोड़ा सा टाइम है. शॉर्ट और लॉन्ग, मिस नीना टोल्ड अस अ रियली फनी स्टोरी अबाउट अ किंग एंड हिज क्लोन, ओनली इट एंडेड टू सून. मैम ने स्टोरी बताई, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था तो नीना मैम ने स्टोरी बताई, बहुत ही फनी स्टोरी थी, हमें हंसी आई, लेकिन फ़र्क इतना ही हुआ कि स्टोरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हुई क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका था. एंड वी वेयर स्टिल लॉफिंग वेन द बेल रैंग, सो वी जस्ट थैंक मिस्टर नीना एंड लिफ्ट. तो हमने छोटी 5 मिनट में एक स्टोरी सुनी किंग की और क्लाउन की और हम हंस पड़े, स्टोरी छोटी थी लेकिन मैम ने बहुत अच्छी तरह से बताई. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. बाय द वे मिस नीना नीनाज आइडिया अबाउट पैकिंग द बैग अर्ली वॉज रियली गुड. ये जाने दो लेकिन मैम ने जो बैग पैक करने के लिए कहा था स्टोरी से पहले, सच में बहुत ही अच्छी आइडिया थी. माई मदर सेड शी हैड नेवर फाउंड माई बैग सो नीट बिफोर एंड आई हैडन्ट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड इन स्कूल आइदर. घर पे जाने के बाद मेरी मम्मी ने तो कहा, ये कौन कह रहा है जो हमको ये इवेंट बता रहा है, वो स्टूडेंट कहता है कि मेरी मम्मी ने तो कहा कि आज तक इतने दिनों में मेरी बैग इतनी नीट एंड टाइडी कभी भी नहीं थी और मैंने कुछ स्कूल में भूला भी नहीं था, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, वर्कबुक सब मेरे बैग में था. नाउ ऑन मंडे व्हेन द स्कूल वीक बिगैन,
Our class monitor said he had a good idea and he wanted us to listen. हमारे क्लास के जो मॉनिटर है उसके पास एक अच्छी आइडिया थी और उन्होंने हमको सुनाई. ही सेड, उसने कहा दैट वी मस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्लासरूम एंड आवर सेल्स क्विकली. हमें क्या करना चाहिए, आज मंडे है तो हमें हमारे डेस्क उस दिन जैसे थे वैसे स्ट्रेंथन यानी सीधे करने चाहिए. हमारा ड्रेस जो है वो नीट एंड टाइडी करना चाहिए जस्ट विद इन 5 मिनट्स. That way we would have time for long stories on Fridays. और ऐसा अगर हम करेंगे तो फ्राइडे के दिन जब स्टोरी का पीरियड आएगा तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं और हमें फुल स्टोरी सुनने को मिलेगी. So we drew up a 5 minute drill. Here it is. और उस मॉनिटर के कहने पर हमने 5 मिनट की एक एक्टिविटी की, ड्रिल की. उन्होंने पाँचों भी मिनट का डिस्क्रिप्शन दिया है कौन से मिनट में उन्होंने क्या किया है. देखिए मंडे के दिन उन्होंने कैसा किया. फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में क्या किया, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट किड इन एवरी लाइन, कलेक्ट एंड पास ऑन ऑल पेपर एंड रबिश टू द किड इन फ्रंट, दे गो एंड पुट इट इन द वेस्ट पेपर बास्केट. क्या करना है कि लास्ट का जो बैक बेंच पर का जो स्टूडेंट है वो पीछे से जो भी कचरा है अपने डेस्क के नीचे का इसके पास देगा, वो इसके नीचे का और पीछे से आया हुआ सामने देगा, और जो सामने का स्टूडेंट है अपने जगह से ही इस डस्टबिन में लाके वो कचरा डालेगा, यानी कोई भी जगह से नहीं उठेगा. ये फर्स्ट मिनट में किया. अभी सेकंड, दूसरे मिनट क्या करना है, कम आउट ऑफ योर प्लेस एंड स्ट्रेंथन योर डेस्क. अपने डेस्क से बाहर निकलो और आगे पीछे करके आपके डेस्क की जो लाइन है वो सीधी कर लो. लुक एट द लाइन ऑन द फ्लोर टू हेल्प यू कीप इट जस्ट राइट. किड्स ऑन द एंड्स टेल यू इफ योर डेस्क इज आउट ऑफ लाइन. और जो लाइन है, लाइन के बाहर अगर डेस्क गया तो जो पीछे का स्टूडेंट है वो आपको बताएगी नहीं, आपका डेस्क आगे पीछे हुआ तो राइट की तरफ टर्न करो, लेफ्ट की तरफ करो, और इस तरह से डेस्क स्ट्रेंथन हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे. अभी थर्ड मिनट में उन्होंने क्या किया, देखिए, टाई शूलेसेस एंड रिबन्स, टक इन ब्लाउजेस एंड शर्ट्स, स्ट्रेंथन ड्रेसेस एंड बेल्ट्स, फेस योर पार्टनर्स टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. अभी क्या करना है, जो शू लेसेस है, रिबन्स है, उनको अच्छी तरह से बांधना है, जो शर्ट है उसकी अच्छी तरह से शर्टिंग करनी है, बेल्ट को ठीक करना है, लूप्स में अच्छी तरह से डालना है, और क्लासरूम में मिरर नहीं होता है तो अपने पास जो बैठा है उसकी तरफ मुंह करना है, उसको पूछना है क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या. ये तीसरे मिनट में उन्होंने किया. अभी फोर्थ मिनट में, चौथे मिनट में, पैक योर बैग्स, चेक ऑल बुक्स, नोटबुक्स, कंपास बॉक्सेस, कलर पेंसिल्स, टिपिन्स, वाटर बॉटल्स, हैव आई रिटन माई होमवर्क, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग. फोर्थ मिनट में सोचना है, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तो बैग पैक किए क्या, कंपास बॉक्स लिया, नोटबुक, कलर पेंसिल, टिपिन, वाटर बैग लिया क्या, मैंने मेरा होमवर्क लिख के लिया क्या, ये सब चीज़ें चौथे मिनट में देखनी है, फोर्थ मिनट में. और फिफ्थ मिनट में सोचना है क्या, सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीना गोइंग टू टेल. और मिस नीना फ्राइडे को कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं उसके बारे में सोचना है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24. मीना एंड अदर मॉनिटर सजेस्टेड दैट वी डू दिस विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड. ग्रेट आइडिया. और उन्होंने, मॉनिटर ने कंफर्म किया, डिसाइड किया कि यह हमें सब करना है 5 मिनट में, लेकिन एक शब्द भी मुँह से नहीं निकालना है, विदाउट एनी मेस, किसी भी हलचल के सिवा. वो सच में बहुत अच्छी आइडिया थी. दैट सेव्स अस ऑल द कन्फ्यूजन. मिस नीना वॉज सो प्लीज विथ द 5 मिनट ड्रिल. और मिस नीना को इस बात की बहुत ही खुशी हुई. शी सेड शी वुड ऑल्सो हेल्प. मैम ने कहा कि मैं भी आपको हेल्प करूँगी. शी वुड कीप लुकिंग एट हर वॉच एंड टेल अस आफ्टर एवरी मिनट टू हरी अप. और मैम क्या करने वाले हैं कि एक एक मिनट को वो बताएंगे कि 1 मिनट हो गया, यस आपको अभी ये काम करना है. इस तरह से मैम भी हेल्प करने वाले थे. वी प्रैक्टिस स्टार्टिंग ऑन मंडे इट्सेल्फ. मंडे से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की हर दिन ऐसे करने की. इट वॉज क्रेजी एट फर्स्ट. ये शुरू में थोड़ा अलग लगा. देयर वेयर किड्स गिगलिंग एंड मेकिंग फनी फेसेस एंड वी ऑल फेल्ट ऑकवर्ड. शुरू के दिनों में कैसे प्रैक्टिस नहीं थी तो थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था. बट We had to do it for the sake of that story. लेकिन हमें ये स्टोरी के लिए करना ही था क्योंकि स्टोरी सबको पसंद है. आपको भी लगती है ना पसंद सुनना.
एंड डू यू नो वॉट मिस नीना सेड एट द एंड ऑफ 5 मिनट ड्रिल? और आपको पता है 5 मिनट के ड्रिल के बाद मैम ने क्या कहा? नीना मैम ने, शी सेड अवर क्लास लुक एज प्रिटी एज पिक्चर. और मैम ने कहा सच में हमारा क्लास किसी पिक्चर जैसा नीट एंड टाइडी दिख रहा है. वी गॉट अ फुल 25 मिनट स्टोरी दिस फ्राइडे. और इस वजह से, इस 5 मिनट ड्रिल की वजह से आने वाले फ्राइडे को हमें 25 मिनट्स की फुल स्टोरी सुनने के लिए मिली. तो ये थी हमारी स्टोरी प्रिटी एज अ पिक्चर. क्लासरूम में हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से नीट क्लासरूम नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, इसके बारे में स्टोरी है. ओके फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम वर्कबुक में देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.